India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this real war. You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. Zelensky ne ye kaha hai ki aapka bada asar usook hai, aapke bade acche dost hain, आप जंग रुकवा सकते हो। बात की है, दुनिया उनको एक एक इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर के तौर पे माने कि वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। यूक्रेन ने जो है सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट उसकी सीट मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर आप दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में, चूंकि दोनों जो है उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन से तो वापस आ चुके हैं, लेकिन जाते जाते यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त भारत को रूस और पुतिन को कहना चाहिए कि इस वॉर को रोक देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अब साफ दिखाई दे रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो इस वॉर को रुकवा सकता है। इसलिए अब जेलेंस्की भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी प्लीज़ अपने दोस्त पुतिन को कह करके इस वॉर को रुकवा दीजिए, अब हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, क्योंकि अब रूस और के प्रेसिडेंट पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की दोनों ही भारत की ओर और मोदी जी से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अपना एक बड़ा किरदार प्ले करें वॉर को रोकने के लिए और रशिया और यूक्रेन को सपोर्ट करें इकोनॉमिकली। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे जरूर से शेयर करें। यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। तो ये सर मीडिएशन की आपको पता है काफी अरसे से बातें चल रही हैं और कहा जाता है कि मोदी साहब का स्टेटस है वो कि वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूएई भी मीडिएशन या कुछ बीच में था ये जो प्रिजनर्स का वो हुआ है। तो वैसे साहब, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं और जंग बंद हो सकती है, हालात बेहतर होंगे और वाकई इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक वे में बहुत बड़ी चीजें की गई हैं? सर, कैसे इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये प्रिडिक्शन करने वाली बात है और सिचुएशन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन दुनिया के हालात इस तरह बढ़ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है ये, मैं समझ रहा हूँ कि अब ये रूस का जो कोर है ना उसको टच कर रहा है, तो ये रूस के लिए एक सिचुएशन ऐसी नई क्रिएट हो रही है जिसमें उनको बहुत जल्दी हंगामी बुनियादों पे जो है इस मसले को एड्रेस करना होगा, चूंकि ये गेम अब उनके हाथ से निकलती चली जा रही है। तो इस हवाले से जाहिर है कि इस वक्त अगर आप दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजिशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में, चूंकि दोनों जो है उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अब ये मसला नहीं कि आप बात ही ना करें या आई ना, एटलीस्ट दे आर लैंडिंग, उनके जो कान हैं उनकी बात जो है
वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो यही होता है, आप इसमें जो है वो जाहिर है ताकत का इस्तेमाल तो करने की गुंजाइश रही नहीं। दुनिया ने देख लिया, वेस्ट ने पूरा जो है वो यूनिफाइड रोल प्ले किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक इसके लिए खर्च हुए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा, पूरा पावर बैलेंस चेंज हुआ, नए क्राइसिस ऐसे आ गए जो आइंदा सालों में दुनिया को हांट करेंगे। तो इस चीज से निकलना दुनिया की इस वक्त जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज यह है कि इस वक्त जो स्टेटस को पावर्स हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना है, अब उनका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता जा रहा है कि वो इस चीज को रिजॉल्व करें, वरना ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो बड़ी तेजी से आप इसमें तब्दीली देखेंगे और इसमें डेफिनेटली इंडिया एक रोल प्ले कर रहा है। और ये रोल ऐसे नहीं है कि अचानक हो गया, ये मैं बार बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इसके पीछे एक सॉलिड हिस्टोरिकल जो है वो फाउंडेशन है। भारत की ख्वाहिश थी कि वो दुनिया उनको एक एक इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर के तौर पे माने, कि वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते हैं, कुछ ब्रिजिंग करवा सकते हैं, कुछ मतलब वॉर को खत्म करवा सकते हैं। हालांकि चाइना ने पहले कोशिश की, चाइना का एक 12 पॉइंट फार्मूला भी था, लेकिन वो यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया, तो वो चाइना ने फिर वो छोड़ दिया, उनको मालूम हुआ कि ये हो नहीं सकता। अब रूस ऑब्वियसली इस दौरे से इतना खुश तो नहीं होगा, क्योंकि रूस के अपने इश्यूज हैं और रूस को मालूम है कि जो भारत है उनके साथ गेम तो खेल रहा है। और रूस इस वक्त, भारत इस वक्त अमेरिका की जानिब ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है जो इस वक्त भारत को चाहिए, वो ये समझता है कि रूस अब उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप देखिए तो आहिस्ता आहिस्ता जो भारत की डिफेंस इन्वेंटरी है ना, वो रूस की जो है कम होती जा रही है रूस की इक्विपमेंट से। तो जो है अपना अमरीका और वेस्टर्न दुनिया से, फ्रांस वगैरह से और जर्मनी वगैरह से चीज़ें, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हों या और चीज़ें भी हों, वो अब इनसे लेना इन्होंने शुरू, एयरक्राफ्ट हों, जेट फाइटर्स हों, ड्रोन्स। अभी एक ड्रोन का, चूंकि अभी राजनाथ सिंह जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अमरीका के दौरे पर हैं, और वहाँ पर वो जो 31 पेरिडर ड्रोन्स हैं, मिलिट्री आर्म ड्रोन्स, उनके बारे में $4 बिलियन का मुआहदा भी करने जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि मोदी साहब ने एक, और इंटरेस्टिंगली मोदी साहब ने इससे पहले पोलैंड गए, पोलैंड से उन्होंने बाय एयर नहीं आए की, वो बाय ट्रेन आए 10 घंटों का सफ़र करके। ये भी इंटरेस्टिंग है, मुझे इसकी वजह समझ नहीं आई, क्योंकि बाय एयर तो जाते ही हैं, शायद सिक्योरिटी, एयर सिक्योरिटी का कुछ मामला हो, लेकिन इससे मुझे वो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन याद आ गए, क्योंकि वो, उनको एक फोबिया है, वो सफ़र नहीं करते, जहाज का सफ़र नहीं करते, वो जहाँ भी जाते हैं, खैर वो जाते भी नहीं हैं कहीं, सिर्फ रूस और चीन गए हैं, वो बाय ट्रेन ही गए हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने अजीम दोस्त नॉर्थ कोरिया के जो हैं किम जोंग अन, उनके, उनकी तकलीद करते हुए पोलैंड से जो सफ़र किया कीव का, वो ट्रेन के जरिए किया। लेकिन बात सब कुछ भी कर लें, मजीद एक्सपोज ही हो रहे हैं, एक्सपोज भी हो रहे हैं और इनका दोगलापन भी, क्योंकि इस स्टेटमेंट में फिर है कि टेररिज्म की बात भी उन्होंने की, बिल्कुल, और सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात की, यूक्रेन ने जो है सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट उसकी सीट मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बहरहाल इनके कॉन्टेक्स्ट में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छा विजिट हो गया।